एक तो ना आप लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। अगर रमशा को किसी लड़के के साथ देख लिया था तो उसे वजाहत का मौका तो दें। तुम्हारे लिए रमशा का अपने क्लास फेलो के साथ घर वापस आना और नहीं है? जिनके दिल में चोर होता है वो इस तरह से खुलेआम लिफ्ट नहीं लेते। तुम्हारी तरह बस स्टॉप पे उतर जाते। अमित, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, माहिर ने सिर्फ रमशा की हेल्प की है। मैंने खुद रमशा के वैन वाले से बात की, कल वाकई उसकी गाड़ी खराब थी और रमशा तो रक्षे में आने वाली थी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि माहिर ने तुम्हें ड्रॉप किया है। तो आप ही आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया है। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, फराज से तो हमारा रिश्ता है, अगर वो भाग भाग कर यहाँ आता है, हमारे काम करता है तो बात समझ में आती है। अपने नंबर बढ़ा रहा है, वो मुफ्त में सोशल वर्क क्यों कर रहा है? उस दिन उसका बैग भी लेके आ गया था कल। वो बैग आयमा ने भेजा था, मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर एक साल की ही तो बात है, पढ़ाई करना चाहती है, इसे पढ़ाई करने दें, फिर शादी कर देंगे इसकी। पता नहीं इतना वक्त है भी मेरे पास कि नहीं। दिल बहुत बेचैन रहने लगा है मेरा। बस रमशा के फर्ज से सबकदोश हो जाऊं तो जिंदगी में सुकून आ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस उसकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है कि हमें आपकी जरूरत सिर्फ यहीं तक थी? शादी कर देने से आपका फर्ज पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं है के साथ की आपकी दुआओं की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। और फिर ये तो एक मामूली सी सर्जरी है, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपकी बेचैनी, बेसुकूनी ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये काम तो मेरे काम बिगाड़ने का है। जो फराज ने भी अपनी नाक कसाना शुरू कर दी, अब इस बुढ़िया का ऑपरेशन करवाना होगा, बिना वजह का खर्चा। और जो मैं सोच रहा था कि एक हार्ट अटैक की मार है, वो प्लान बन सेट हो गया। बस फराज का कुछ करना पड़ेगा, कहीं आगे भी मेरे काम ना बिगाड़ता रहे। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।